छत्तीसगढ़ के जितने भी धार्मिक स्थल हैं उसको तो मैं कवर कर रहा हूँ, पर छत्तीसगढ़ में जैसा बोलते हैं ना कि हर त्यौहार को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया जाता है, तो अभी मैं और अजय जा रहे हैं गणेश उत्सव को आप लोग को दिखाते हैं कि रायपुर के जो लोग हैं गणेश उत्सव को कैसे सेलिब्रेट करते हैं। हम आपके लिए रायपुर में अलग विभिन्न विभिन्न स्थानों में जो गणेश की सुंदर सुंदर प्रतिमाएँ हैं उससे आपको रूबरू कराते हैं, और हम शुरुआत करते हैं कालीबाड़ी से। तो हम रायपुर में अभी हम इस वक्त कालीबाड़ी में हैं, जिस टाइटेनिक पंडाल की बात कर रहे हैं वो टाइटेनिक पंडाल ये है। हमारा 25वां वर्ष है, अधिकतर हम देखते हैं मंदिर के आकार में या और भी बहुत सारे थीम में लोग अपनी अपनी पंडालें बनाते हैं। हमने सोचा कि इस बार कुछ नया करके देखे। इस पंडाल को बनाने में कलकत्ता से हमारे 16 कारीगरों के द्वारा निरंतर 25 दिन तक काम किया गया है। 18 घंटे काम करने के बाद शहरवासियों के लिए यह सुंदर सा एक पंडाल का निर्माण करने का प्रयास किए हैं, और महादेव के स्वरूप में भगवान गणेश जी की प्रतिमा को स्थापित यहाँ किया गया है। उम्मीद है, आशा है कि लोग को हमारी यहाँ प्रतिमा और स्थापित की हुई जो प्रतिमा और यहाँ पंडाल लोगों को अच्छा लगे। प्रमुख जगह में गणेश भगवान जो बैठाए हैं, तो सबसे पहले हम कालीबाड़ी जाएंगे जहाँ पे टाइटेनिक जहाज का स्वरूप दिया गया है गणेश पंडाल को। वहाँ से शुरू करते हुए हम कंकाली पारा होते हुए राठौर चौक में आएंगे, जहाँ पे बहुत पुराने टाइम से गणेश भगवान स्थापित किए जाते हैं और बहुत ही सुंदर मूर्तियाँ यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। इसके बाद हम जाएंगे रामनगर और गुड़ियारी, जो अपने आप में गणेश भगवान की बहुत ही विशाल और बहुत ही सुंदर मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है। अभी हम राठौर चौक के विशाल गणेश भगवान का दर्शन करने जा रहे हैं। अभी राठौर चौक पहुँच गए हैं, जो हम आपको यहाँ का गणेश भगवान